जरूरी नहीं आप जहाँ ऑडिशन दे रहे हो आप वहाँ सिलेक्ट हो, हो सकता है वहाँ से रिजेक्शन भी आएगा। तो प्लीज आप बिल्कुल डिप्रेस मत होइए, क्योंकि आई नो कितना डिप्रेशन होता है एक रिजेक्शन को एक्सेप्ट करना। मैं यही कहना चाहूँगी आप ट्राई करते रहिए, आप डिप्रेस मत होइए। आई एम श्योर अगर आप में टैलेंट है तो कास्टिंग डायरेक्टर आपको जरूर बुलाएगा और आपको आपका फर्स्ट पिक जरूर देगा। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर। कास्टिंग एक बहुत ही अलग तरह का प्रोसीजर है। बहुत एक्टर जो यहाँ पर आना चाहते हैं, बॉलीवुड में काम करना चाहते हैं, टीवी इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, उनके लिए जो सबसे बड़ी परेशानी, सबसे बड़ी उलझन है वो ये कि आखिर कास्टिंग डायरेक्टर चाहते क्या हैं, क्यों हमें नॉट फिट बोल देते हैं, क्यों हमारा सिलेक्शन नहीं होता। बहुत सारे क्वेश्चन उनके माइंड में होते हैं। इन सब क्वेश्चन के आंसर देने के लिए मेरे साथ हैं नेहा सिंघानिया, कास्टिंग डायरेक्टर। वेलकम टू joinfilms। थैंक यू सो मच। नेहा जी कास्टिंग करती हैं टीवी के लिए, बहुत सारी कास्टिंग की। कौन कौन से शोज किए नेहा आपने? मैंने बालिका वधु, सरस्वती चंद्र, गंगा, चिड़ियाघर, नीली छतरी वाले। मेरा करंट में एक शो चल रहा है मेरे साईं बाबा सोनी पे, लक्ष्मी क्रिएशन। बड़ा अच्छा चल रहा है वो शो भी। बहुत अच्छा। तो उसमें जो साईं हैं वो आपने ही तलाशे थे? बिल्कुल। ओके, तो वो थोड़ा स्टोरी बताएंगे कैसे हुआ वो? बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, थैंक्स मुझे आप बोलने का मौका दे। मेरे साईं बाबा सीरियल की कास्टिंग एक साल से चल रही थी, दशमी क्रिएशंस का शो है ये। और उधर जो कास्टिंग कर रहा था पहले, मेरे पहले, तो आई थिंक वो पता नहीं क्या मिस्टेक हो रही थी उससे, वो कर नहीं पा रहे थे, कोई कैरेक्टर्स उनके लॉक नहीं हुए थे। मुझे बहुत एंड मोमेंट पे हायर किया गया, जब चैनल ने बोल दिया भाई ये एक लॉक करो वरना हम कास्टिंग उठाकर किसी और को दे देंगे, है ना। तो एंड मोमेंट पे मुझे लाया गया और मैंने डेढ़ महीने में पूरी कास्टिंग वाइंड अप की है। कितने कैरेक्टर्स? 15-20 कैरेक्टर्स। ओह ग्रेट ग्रेट ग्रेट। जहाँ तक साई बाबा को ढूंढने की बात है, वीरेंद्र जी जब मुझे ये कैरेक्टर सुनाया गया और मुझे जिस तरीके के रेफरेंसेस मिल रहे थे तो वो सीधा कंपैरिजन कर रहे थे साउथ के साई बाबा जो थे, नागार्जुन के साथ कंपैरिजन हो रही थी कि हमको वैसा साई बाबा ढूंढ के लाके दो नेहा। ओके। मुझे एक चीज बहुत अच्छे से पता थी कि साई बाबा एक इतना इंटेंस कैरेक्टर है अपने आप में कि एक नॉर्मल बंदा है ना वो कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। क्योंकि इट्स नॉट ओनली अबाउट कैमरा के सामने जाके डायलॉग बोलने, जितना लिमिटेड कैरेक्टर वो नहीं था, बहुत लेयर्स है साई राइट। तो जब आबिर सूफी आए मेरे पास, मैंने उनको, वो आने को रेडी नहीं थे, वो मुझे बोले नेहा मैं कहाँ से साई बाबा लग रहा था। अच्छा, उनको खुद को भी ऐसा लग रहा था? उनको ऐसे लग रहा था कि नेहा कहाँ से साई बाबा लग रहा हूँ, मैं नहीं आ रहा यार प्लीज। तो मेरे काफी रिक्वेस्ट करने के बाद वो आए, मैंने बोला यार आके मेरे लिए एक लुक टेस्ट दे दो, ऐसे सोचो बस दो घंटे कॉफी पीने जा रहा हूँ। अच्छा, वो आए, मैंने उनका लुक टेस्ट किया और माय गॉड, तो हिस्ट्री है, मतलब दुनिया देख रही है टेलीविजन पे। तो ये होती है कास्टिंग डायरेक्टर की नजर। जब आप अपनी नजर में भी लगता है आपको कि मैं इसमें फिट नहीं हूँ, तब कास्टिंग डायरेक्टर पकड़ लेता है कि नहीं आप उस रोल के लिए परफेक्ट हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ रोल आपको चुनता है, आप रोल को नहीं चुन सकते, इसलिए प्लीज़ कास्टिंग डायरेक्टर पर पूरा भरोसा कीजिए। ये जो कास्टिंग होती है ये एक्चुअली कैसे, मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इसका प्रोसीजर क्या है, कैसे आपके पास आती है रिक्वायरमेंट और फिर आप कैसे सिलेक्शन के लिए आगे बढ़ते हो? देखिए मैं कोई भी प्रोजेक्ट उठाती हूँ, एक तो मुझे दूसरे कास्टिंग वालों के मैं बात नहीं करूँगी, मैं अपनी बात करूँगी। मैं बहुत चूजी हूँ प्रोजेक्ट चूज करने में भी। मैं पहले कंटेंट देखती हूँ, मुझे क्या शो या मुझे क्या प्रोजेक्ट ऑफर हो रहा है। ओके, है ना। तो कंटेंट में भी आपका इंटरेस्ट होता है? मेरा रहता है, बिल्कुल रहता है, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरा शो आए और एक महीने में बंद हो जाए, बिकॉज देयर वाज नो कंटेंट, देयर वाज नो स्टोरी, है ना। तो आई एम वेरी चूजी एंड पर्टिकुलर अबाउट व्हाट आई वर्क ऑन। ओके, सो जहाँ तक एक्टर्स को बुलाकर ऑडिशंस करने का जो प्रोसीजर है किसी भी प्रोजेक्ट में, व्हेन आई स्टार्ट डूइंग माय वर्क, तो कैरेक्टर ब्रीफ मुझे जो क्रिएटिव से मिलती है, पहले तो मैं उनको समझती हूँ कि क्या कैरेक्टर है। मतलब अगर मैं एक लीड लड़का ढूंढ रही हूँ या एक लीड लड़की ढूंढ रही हूँ, एक तो कॉमन सा रेफरेंस जो हमको मिल जाता है, जब वी मेट की करीना कपूर ढूंढ के ला, जब वी मेट का शाहिद कपूर चाहिए। सो दिस इज हाउ क्रिएटिव डिस्क्राइब द कैरेक्टर, बट देयर शुड बी समथिंग बियॉन्ड गीत एंड करीना कपूर तो चाहिए नहीं, बिल्कुल शाहरुख चाहिए, उन्होंने रेफरेंस के लिए दिया। ऐसे में वो जो एक कॉन्सेप्ट वाला माइंड उन्होंने कंसीव किया था वो आपको बताया, अब आप भीड़ में से करीना कपूर और शाहिद कपूर ढूंढ रहे हो, तो ये कितना मुश्किल काम है? ये बहुत मुश्किल है। सी यंग लड़की या लड़के जो एक्टर बनने आते हैं, यू नो पहले ही आते वो पूछते कैरेक्टर ब्रीफ बताओ, मैं उनसे ये कहना चाहूंगी पहले आप आइए
मतलब जैसे आप कोई नॉवेल पढ़ते बुक पढ़ते आप स्क्रिप्ट पढ़िए एक बार, है ना, क्या कैरेक्टर है, लाइंस क्या है, एक बार वो मूड पकड़िए. जब आप मूड पकड़ लो आपको कैरेक्टर अपने आप समझ में आ जाएगा. अगर फिर भी आप नहीं समझ पाते हो तो मैं हूँ, मेरे असिस्टेंट है, दे आर देयर टू हेल्प यू, राइट, है ना. एक्टिंग का मतलब ये नहीं है कि चार पांच लाइन रट ली अपने हिसाब से कैमरा के सामने ब्लंटली उसको बोल दिया. एक्टर्स क्या सोचते हैं पता है, मेरा ऑडिशन बहुत अच्छा गया, मतलब उनके हिसाब से परफेक्ट, उनके हिसाब से अगर उन्होंने कहीं फंबल नहीं मारा है तो उनके लिए वो परफेक्ट ऑडिशन, मतलब लाइंस बोली है तो ऑडिशन बढ़िया है, ऑडिशन बढ़िया है. हाँ. भाई अपना तो ऑडिशन बहुत अच्छा गया, देखना इस बार तो अपना पक्का है. हाँ. अरे भाई ये समझो कि क्या तुमने वो कैरेक्टर को उस ऑडिशन रूम में क्रिएट किया, राइट वो सोचिए आप, वो अंडरस्टैंडिंग के साथ प्ले किया कि नहीं किया, वो मेन इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आप उस इमोशंस को लेके एक्ट कर पाए कि नहीं कर पाए, उसको ऐसा नहीं कि धड़ाधड़ लाइन बोल दी, आपको पॉजेस भी लेने होते तरीके से, मतलब जो भी एक करेक्टर का एक नेचुरल प्रेजेंट करना है वो होना चाहिए. एक कास्टिंग डायरेक्टर के लिए कास्टिंग करना कितना हैक्टिक जॉब है? मुझे मजा आती है कास्टिंग करने में. okay. मुझे बिल्कुल हेक्टिक नहीं लगता है, आई एंजॉय माय वर्क. फिर भले वो रात को 12 बजे भी करनी पड़े, मुझे 2 बजे भी करनी पड़े, मैंने एक्चुअली की है रात को 2:30 बजे तक मैंने कास्टिंग की है. सो आप कोई भी जॉब अगर बेमन से कर रहे हो, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि आपको घर चलाना है, तो हर जॉब आपको बोरिंग लगेगी, हेक्टिक लगेगी, राइट, अगर वो भले एक्टिंग हो. ये बात मुझे पहली बार नहीं सुनने को मिली, नहीं तो ज्यादातर मैंने यही सुना है कि यार बड़ा टाइम कंज्यूमिंग जॉब है, थैंकलेस जॉब है, लेकिन अच्छी बात है. ये जो जॉब आपको इतना पसंद आ रहा है, ये प्रोफाइल जो इतना पसंद आ रहा है कास्टिंग डायरेक्टर, तो ये आपने कहाँ से चुना, कैसे बनी कास्टिंग डायरेक्टर? मैं ये कहना चाहूंगी कि शायद कास्टिंग ने मुझे चुना कि आओ प्लीज हमें करो. okay. प्रोफेशन ने चुना? प्रोफेशन ने मुझे चुना. okay. वीरेंद्र जी ऑनेस्टली मैं डबल ग्रेजुएट हूँ. okay. मैंने बीए किया है इंग्लिश लिटरेचर और हिस्ट्री से, और मास्टर डिग्री है मेरे पास जर्नलिज्म में. तो मेरा कोई दूर दूर तक ख्याल में भी तो जर्नलिज्म भी किया आपने? फिर मैंने रिपोर्टिंग की है. ओके. तो रिपोर्टिंग से कास्टिंग तक, कास्टिंग तक मैंने जूम टीवी में काम किया है, मैंने जी टीवी न्यूज चैनल के साथ काम किया है. आई वर्क विद दी नंबर वन न्यूज पेपर, 1950 ईयर्स ओल्ड न्यूज पेपर जो है दी फ्री प्रेस जर्नल, उसमें मैं क्राइम बीट कवर करती थी. क्या बात है. तो कास्टिंग का वो जो ये ट्रांजिशन हुआ एकदम से, अचानक कैसे हुआ? सी रिपोर्टिंग में मुझे मजा आ रहा था, बट एज आई सेड अर्लियर आल्सो कि जब तक आप दिल से आप कुछ काम एंजॉय नहीं करोगे ना, तो यू विल फील इट्स हैक्टिक. पहला प्रोजेक्ट कौन सा था आपका कास्टिंग? आई स्टार्टेड विद स्पियर ओरिजिन्स. मुझे थैंकफुली बहुत जो ब्रेक मिला वो एक नंबर वन हिट शो से शुरुआत हुई, बालिका वधु से शुरुआत हुई. अभी जो सबसे ज्यादा कास्टिंग होती है अलग तरह से वो होती क्राइम पेट्रोल वगैरह में, और वो आप काफी करती हैं, तो ये एक तरह से नए एक्टर्स के लिए चांसेस भी ज्यादा हैं क्योंकि उसमें नए चेहरे ही लिए जाते हैं. तो जब क्राइम पेट्रोल की आप कास्टिंग करते हो, नए एक्टर पे भरोसा करते हो, तो किन किन बातों का आप ध्यान रखते हैं? क्राइम पेट्रोल में मैंने एक्चुअली में बहुत नए लोगों को ब्रेक दिया है, है ना? कितने? बहुत, मतलब वो खुद कहेंगे कि नेहा मैम ने हमें पहला ब्रेक दिया था, मुझे याद भी नहीं है इतने नाम है. हाँ. है ना, और मुझे बहुत खुशी है कि आज वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो भले मूवी हो वेब सीरीज हो, बट पहला ब्रेक मिलना ना किसी भी इंसान को एक्टिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो तुम्हें ट्रस्ट करेंगे और तुम्हें अपना पहला ब्रेक देंगे, राइट, है ना. तो क्राइम पेट्रोल में मेरे वीरेंद्र जी, मैं कोशिश करती हूँ जितना नए टैलेंट हमारे मुंबई में आ रहे हैं, है ना, मैं उनको चांस दूँ, और मैंने दिया है. छोटे छोटे थिएटर ग्रुप्स जो चलते हैं मैं वहाँ जाती हूँ, मैं उन एक्टरों से मिलती हूँ जो प्लेज वगैरह होते हैं, आई मेक श्योर अगर मैं फ्री हूँ तो मैं जाके वो देखूँ. ओके. सो दिस इज हाउ आई कीप हंटिंग टैलेंट. बाकी थैंक्स टू डिजिटल प्लेटफॉर्म, यहाँ से भी फायदा हो गया, काफ़ी लोग खुद सामने से आके मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं. तो अब मैं पूछता हूँ एक और चीज़ जो वाकई आप बता सकते हैं. कई बार जो एमेच्योर एक्टर्स हैं, नए एक्टर्स हैं, वो कई बार मैसेज करके, मेल करके, बार बार जो फ़ोन करते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे, क्या ध्यान रखें ताकि उनको भी नुकसान ना हो, आप लोग भी डिस्टर्ब ना हो? देखिए एक तरीका है फॉलोअप्स करने का भी, राइट. आप किसी एक सीनियर लेवल के पर्सन से अगर फॉलोअप कर रहे हैं ना, तो आप प्लीज वो मत कीजिए गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, हैप्पी ईद, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी दिवाली. सी ये सब करने से आपको काम नहीं मिलेगा. अगर आपको सीरियसली फॉलोअप करना है, आप अपना एक ऑडिशन लिंक बनाए और वो उनको भेजिए कि दिस इज माई न्यू ऑडिशन लिंक, काइंडली हैव अ लुक एट इट. उससे कास्टिंग डायरेक्टर्स को भी ये पता चलेगा कि हाँ भाई 4 महीना पहले ये ऐसी एक्टिंग करता था, आज इसमें इतना इम्प्रूवमेंट है. वो आपको हेल्प करेगा, राइट. मतलब ऑडिशन लिंक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, उससे आपका टाइम भी बचता है. एक्चुअली टाइम बचता है. नए एक्टर्स जो ग्लैमर देखकर मुंबई आते हैं कि हम जाके बड़ा
काम करेंगे मुंबई में, और यहाँ पर वो देखते हैं कि इतना स्ट्रगल है, मतलब दिन में आई एम श्योर वो कम से कम 10-20 ऑडिशन लाइनअप करके दे गो एंड ऑडिशन। तो ज़रूरी नहीं आप जहाँ ऑडिशन दे रहे हो आप वहाँ सिलेक्ट हो सकता है वहाँ से रिजेक्शन भी आएगा। तो प्लीज़ आप बिल्कुल डिप्रेस मत होइए, क्योंकि आई नो कितना डिप्रेशन होता है एक रिजेक्शन को एक्सेप्ट करना। मैं यही कहना चाहूँगी आप ट्राई करते रहिए, आप डिप्रेस मत होइए। आई एम श्योर अगर आप में टैलेंट है तो कास्टिंग डायरेक्टर आपको ज़रूर बुलाएगा और आपको आपका फर्स्ट ब्रेक ज़रूर देगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं नेहा जी ये नहीं है कि आपका एक एक्टर का माइंडसेट भी होना चाहिए, क्योंकि रिजेक्शन तो ये प्रोसेस है, ये तो सबने झेला, बड़े बड़े एक्टरों ने भी झेला है, तो रिजेक्शन को समझ के आइए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो आप ज़्यादा तैयार हो पाएंगे। राइट, वो साइकोलॉजिकल भी एक तरह से स्ट्रगल है ना, साइकोलॉजिकल भी समझना बहुत जरूरी है। नया जब अभी आप कर रहे हो टीवी आपने करा है, इसके बाद अब नया प्रोजेक्ट क्या आ रहा है आपका? मेरी वेब सीरीज आने वाली है टाइटल रोल। ओके, उसमें मैंने कास्टिंग भी की और मैं क्रिएटिव लेवल पे भी इन्वॉल्व हूँ। एक चीज़ और पूछूंगा जो एक्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एक्टर्स आते हैं उनको चांस मिल जाता है, क्या ऐसी वजह होती है कि वो बहुत लंबा करियर स्पैन नहीं बना पाते? क्योंकि उनमें टैलेंट था तो चांस मिला, लेकिन क्या ऐसी उनकी खास बातें रह जाती हैं जिस वजह से वो लोग आगे नहीं चल पाते? जब तक एक एक्टर उसको काम नहीं मिलता है, वो नया रहता है इंडस्ट्री में, तो उनके लिए कास्टिंग डायरेक्टर ही सब कुछ है। राइट, वो आएंगे आपके पास, फॉलोअप करेंगे, रोज़ मिलके जाएंगे कि मैम कुछ है काम दीजिए, है ना। मेरे खुद के एक्सपीरियंस में बता रही हूँ, मैंने काफ़ी ऐसे एक्टर्स को वन डे कैरेक्टर से शुरुआत करवाई थी और वो आज लीड तक पहुँच गए, बट जैसे ही उनको काम मिलना शुरू हो जाता है ना, अचानक उनका एटीट्यूड चेंज। ओके, फिर वो अलग अलग रीजंस ढूंढते हैं, फिर वो आपको बोलेंगे नहीं बजट के वजह से मैं नहीं कर रहा हूँ, अरे ये कैरेक्टर तो बहुत छोटा है अब मैं नहीं कर सकता, अब तो मैं लीड कर रहा हूँ। बहुत सारे चेंजेस उनके बिहेवियर में, उनके नेचर में आ जाते हैं। तो उस वजह से ये भी होता है कि फिर आप उनको फॉलो करना बंद कर देते हो, और आप जैसे अगर और कास्टिंग डायरेक्टर ने भी उनको फॉलो करना बंद कर दिया तो जाहिर सी बात है एक ना एक दिन काम खत्म हो जाएगा। जब काम शुरू हो जाता है तो मार्केट में सो कॉल्ड कोऑर्डिनेटर्स हैं, एक बार आप स्क्रीन पे दिख गए, दो बार दिख गए, वो आपको उठा लेते हैं। और जब ये एक्टर्स को बाहर काम मिलना शुरू हो जाता है उनको ये लगता है अब तो मेरी गाड़ी चल पड़ी, अब मुझे इनकी क्या जरूरत है, इनकी जरूरत है। बट वो ये चीज भूल जाते हैं, जब हम तुम्हारी गाड़ी चला सकते हैं तो हम किसी बंद गाड़ी को भी आगे चला सकते हैं। बहुत एक्टर्स है जो वेट करे तुम्हारी जगह लेने। राइट, तो ये आपके लिए सीखने वाली बात है कि देखिए आपको बहुत जरूरत है कास्टिंग डायरेक्टर्स की, प्रोड्यूसर्स की। आप अगर इस तरह से इग्नोर करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। पहले सिर्फ फिल्म्स होती थी, फिर चैनल्स आए, उसके बाद चैनल्स बहुत सारे आ गए, उसके बाद अब डिजिटल मीडिया में गया, तो कितनी अपॉर्चुनिटी नज़र आती हैं एक नए कलाकारों के पुराने ज़माने के मुकाबले? बहुत अपॉर्चुनिटीज हो गई, पहले तो सिर्फ लिमिटेड था कि मूवीज़ है, अभी तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है और वेब पे भी बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट बन रहे। तो यस, इट्स अ राइट वर्ल्ड आई वुड से, अच्छी अपॉर्चुनिटीज, अच्छे कैरेक्टर्स प्ले करने का मौका मिलता है। अच्छा, एक और रहता है मित्र लोगों के मन में कि मैं तो मेन लीड ही करूंगा या तो मेन लीड ही करूंगी, इससे मैं इसलिए बचाना चाहता हूं क्योंकि आज आप एक प्रोफेशनल हैं, जिम्मेदार प्रोफेशनल हैं, आप कहेंगे कि तो ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे, इस वजह से भी कई लोगों को ब्रेक नहीं मिल पाता है। ये सबके साथ है, जो भी मुंबई में आते हैं वो ये सोच के आते हैं हमें मेन लीड करना है, भले उनको उसका मतलब ना बताओ, बट दे वॉन्ट टू डू मेन लीड। बट सी, आपको टेलीविजन में एक ओपनिंग, एक ब्रेक मिलना अपने आप में लीड ही है ना। आप अगर इट्स अ मेंटल थिंग आई वुड से, ये लीड करना है, आप ये सोचिए ना कि आपको आपके टैलेंट के ऊपर एक चांस तो मिला, टेक इट एज अ अपॉर्चुनिटी, है ना, एक स्टेप तो लीजिए। अगर आप काम ही नहीं करोगे, आप स्क्रीन पे ही नहीं दिखोगे, तो आप लीड तक कैसे पहुंचोगे? राइट राइट, वो स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे। राइट राइट, थैंक यू नेहा, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। थैंक्स। तो ये थी नेहा सिंघानिया, कास्टिंग डायरेक्टर, बहुत सारे शोज कर रही हैं, वेब सीरीज भी कर रही हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई इन्होंने। पहली बात तो ये कि अगर आप एक्टर हैं तो आपको एक्टिंग की स्किल पे तो काम करना ही पड़ेगा, लेकिन अपने बिहेवियर पे भी काम करना पड़ेगा। दूसरा, मेन लीड का क्वेश्चन का उन्होंने आंसर बहुत अच्छा दिया कि आपको जो छोटा रोल मिल रहा है वो भी मेन लीड का रास्ता तय करेगा। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपको क्या क्या पसंद आया, क्या क्या आपने सीखा। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी, भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे, भले वो फेक ऑडिशंस पे हो, कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।